हम देखते हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 की प्रॉब्लम नंबर 22। इसके पहले 21 तो करा दिया। देखो ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ये सॉल्व करने के लिए cot x cot 2x cot 2x cot 3x बहुत ट्रिकी है। इसको ठीक से आप सॉल्व करोगे cot 3x cot x 1, मतलब आप अभी तक क्या करते थे, लेफ्ट को लेकर चलते थे राइट ला देते थे, या राइट को लेकर चलते थे लेफ्ट ला देते थे, या तो लेफ्ट को लेकर चलते थे ही और राइट को लेकर चलते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्ट प्रूफ होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छे समझना इसको। देखो इसकी पहचान क्या है, कैसे हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमेशा देखो एंगल एक्स है, एंगल टू एक्स है और एंगल थ्री एक्स, तीन एंगल है, एक्स है 2x है और एंगल 3x, यही तो एंगल है ना, x 2x 3x, इसे में घूम फिर करके सब कुछ है। तो आप जानते हो अगर हम 2x में प्लस x को ऐड करेंगे तो 3x के इक्वल हो जाएगा। बस यहीं से ट्रिक है और ये डायरेक्ट प्रूफ होगा। तो वी है या वी नो दैट 2x plus x is equal to 3x, इसमें क्या है, ये तो बात सही है, बस यही से हम लेकर चले। भाई हम जानते हैं कि 2x में अगर हम x को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जैसे लिखा रहता है कहीं sin theta is equal to sin 30 degree, ऐसे लिखा रहता है, तो कंपेयर करो, कंपेयर तुरंत नीचे वाली लाइन लिखते हो theta is equal to 30 degree, ऐसे लिख दो। नहीं, अगर ये रहता है तो ये लिख दो, अगर ये रहता है तो ये लिख दो। उसी तरह हम दोनों तरफ cot लगा देंगे। भाई हमारा प्रॉब्लम जो है cot में, तो आप इसको भी क्या कीजिए, cot लगा दीजिए, cot cot 2x plus x cot 3x, आप इसको लगा सकते हो। आप ये सीखिए, ये वर्किंग रूल होता है और ये सब चीजें अभी आपको सीखना है। तो इसको सिंपल देखो डायरेक्ट कैसे प्रूव करते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला क्या है हम आपको बताएंगे, cot ऑफ a प्लस b का फार्मूला हमने आपको बताया है प्रूफ करके, cot a टू cot b माइनस वन और अपॉन cot b प्लस cot a, ये फार्मूला है। तो वही तो करना है हमें। देखो यहां ये a है ये b है, तो ये तो हो जाएगा cot 2x into cot x minus 1 upon, ये a है ये b है, तो a ये b, तो cot a b मतलब x b और plus cot a, a का मतलब 2x और यहां पर cot 3x रहेगा। बस हो गया, खत्म, बन गया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 1 करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अरेंज कर लो, बन गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो cot 3x अपॉन 1 पे हम मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा cot ऑफ, ठीक है ऐसे बना दिया, डायरेक्ट प्रूफ करना है। तो cot 2x cot x माइनस 1, 1 का यहां मल्टीप्लाई हुआ, इसका यहां मल्टीप्लाई है, तो ये तो हो जाएगा cot 3x के बाद cot x आ जाएगा और आगे फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस cot 3x cot 2x या cot 2x into cot 3x, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में आने के बाद अब इसको रिअरेंज कर लो, जैसे 1 को उधर रख दिया तो 1 को आप उठा करके उधर ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ, प्रूफ हो गया। तो cot x cot 2x, तो cot x यही तो है, ये वाला ऐसे बस थोड़ा इधर उधर क्रम, इसका ऑर्डर इधर उधर है, तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो cot x, पहले लिख लो
इनटू में है मल्टीप्लाई है cot 2x इसको हमने लिख दिया। अब cot 2x वाला टर्म और 3x वाले को इधर ले आया, इसको इधर लाओ तो माइनस cot मैंने 2x हो जाएगा, उसके बाद cot 3x हो जाएगा, और उसके बाद इसको भी इधर लाओ माइनस cot ऑफ 3x cot ऑफ x और वन को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट प्रूफ हुआ। ऐसे प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रूफ किया जाता है, लेफ्ट और राइट को लेकर के नहीं चलते। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से समझो और एक दो बार वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो है इसको आप कई बार देखो, और ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बच्चे लेफ्ट को लेकर के राइट लाने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। तो ये ट्रिकी सवाल है, ये ट्रिक से बनता है, तो ट्रिकी सवाल को थोड़ा सा याद रखा जाता है उसका वर्किंग रूल, तो इसका आप वर्किंग रूल थोड़ा सा याद रखना और इस तरह की प्रॉब्लम जब भी कभी मिले तो ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाइए। और एक अच्छी प्रॉब्लम है और इसको अच्छे समझ लीजिए और दो तीन बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आप सॉल्व भी कीजिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट बताते हैं इसको आप कब कीजिए।